अब बिजनेस तो बिल्कुल डला भी नहीं हो रहा जब से कोरोना हो गया है। बिल्कुल ही डप हो गई फैक्ट्री तो हमारी 3 साल से बहुत स्थिति खराब हो गई है। कि खर्चे घर के लिए भी तो कोई कहना आसान नहीं है कि घर में खर्चे नहीं होते हैं। कितना भी अपने हाथ पे कंट्रोल करो होता नहीं है। घर में भी कितना सोच समझ के खर्चा करो नहीं होता है बिल्कुल भी। कहीं भी आना जाना है तो पहले सोचना पड़ता है कितना खर्चा होगा कैसे होगा क्या होगा। नहीं कभी देखी हमने, बोला हमको मैरिज को भी मेरे 38 ईयर्स हो गए पर हमने कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी कि भाई ये प्रॉब्लम भी हमारे ऊपर आएगी। मैं तो कोविड को भी समझ रही हूँ और उस पर भी है, दोनों पे ही है। गवर्नमेंट पे पहले नोटबंदी हुई तो आधे इंसान उसमें बेकार हो गया नोटबंदी में, अरे दूसरा कोविड आया उसमें भी हो गया इंसान थोड़ा बेकार। इसमें तो ज़्यादा ही हो गया खैर कोविड में, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई हर उसमें हर उसके लोग रहते हैं, गरीब भी है अमीर भी है। बस अमीर है जो पैसे पे पैसा कमाता जा रहा है, गरीब है वो गरीब होता ही जा रहा है। मुद्दा महंगाई जा रही है, कोई गरीबों के लिए केवल खाली राशन देने के अलावा और कुछ नहीं काम करते। बिजनेस व्यापारियों के लिए तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है उनका, महंगाई पर महंगाई कर रहे हैं। बाकी पैसा सब व्यापारियों का है और महंगाई करती जा रही है और गरीबों केवल देने से गरीब और ज़्यादा बेकार होता चला जा रहा है। क्या मुद्दे क्या है अभी? मुद्दे महंगाई है सब और ये व्यापार तो बिल्कुल ही ठप कर दिया है। रिफाइन भी महंगा कर दिया है, कोई व्यापार में पैसा एकदम मार्केट में फ्लो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। व्यापार कितना साल के होगा हमारे? 60 ईयर्स से 60 साल। कितने सालों में कभी ऐसी स्थिति पहले कभी? कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि किस समय कौन सा कोई कानून आ जाए, कहाँ किसकी क्या व्यवस्था बदल जाए, क्या हो जाए। अब पहले जो श्योरिटी थी, पहले कि आदमी बेफिक्र था, सब्जी रोटी खा करके अपना बेफिक्र रहता था, अब तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं किस समय कौन सा कौन टैक्स लागू कर दे सरकार, अब कोई पता नहीं। तो ये टैक्सों से परेशान है आप सरकार? टैक्सों से भी महंगाई है, कोई अब लाइफ कोई शोर नहीं रह गई। अब खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा मंदिर बनाने के अलावा और कुछ नहीं कराया उन्होंने, लेकिन खाली अपना पैसा व्यापारियों से खाली कैसे करके उनको छापे मार करके या कैसे भी। वो छापे तो पहले भी लगते थे, ऐसी कोई नो प्रॉब्लम, वो तो पढ़ने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसे छापे नहीं करेगी तो टैक्स कहाँ से उसको मिलेगा, रिवेन्यू कहाँ से मिलेगा? और सब क्या लगता है इस बार बदलाव है यूपी में? बदलाव तो होना चाहिए। अब देखो बाकी गवर्नमेंट के पास पैसा ही इतना है, वो क्या वो तो सब कुछ कर सकती है।